हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनीता मैथमेटिक्स क्लासेस। माय नेम इज अनीता यादव। फ्रेंड्स देखिए, आज हम नंबर सिस्टम के ये जो क्वेश्चंस है जो हमसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं उनके शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे हम क्या है। देखिए, जैसे हमारे पास है इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए देन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस टू। देखिए, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है कि हमें गिवन है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू फाइव और हमें फाइंड आउट करना है, देन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए हम डायरेक्ट एक तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसका क्या करें आप, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करें, इधर ये फाइव का स्क्वायर करें, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे ओपन कर लेंगे, प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस टू विच इज 23, ये आ जाएगा। एक हम इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाइव का स्क्वायर माइनस टू, ये हो जाएगा 25 माइनस टू, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 23। तो देखिए, आपको क्या करना है, ये पूरा प्रोसीजर ना करके आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से इसका आंसर निकाल सकते हैं, आपका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से ये आंसर निकल जाएगा। इसी तरीके से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि इफ हमारे पास है, देखिए यदि हमारे पास ये क्या है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू फोर है और हमें यहाँ पे एक्स क्यूब और वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, ए क्यूब माइनस थ्री ए। देखिए, आप क्या अप्लाई कर देंगे, ए क्यूब माइनस थ्री ए, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा फोर का क्यूब माइनस थ्री इंटू फोर, ये हो जाएगा हमारे पास 64 माइनस 12 विच इज 52, ये आ जाएगा डायरेक्ट हमारे पास आंसर। अगर देखिए आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप क्या करेंगे, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब लेंगे, यहाँ हो जाएगा फोर का होल क्यूब और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, इसे ए प्लस बी का होल क्यूब निकालेंगे। ये देखिए, ये हम फॉर्मूले इसमें कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हमारे पास फोर का क्यूब कितना आ जाएगा 64 और ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा ये हमारा, उसके बाद ये आ जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, थ्री इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या है फोर, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस 12 और ये 12 हमारा राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 12 विच इज एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये आ जाएगा हमारे पास आंसर इसका 52। तो देखिए, हमारा शॉर्ट ट्रिक से भी उतना ही आ रहा है, सॉल्व करके भी उतना ही आ रहा है, तो आप इसे डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए देन एक्स पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर, तो इसके लिए आपके पास डायरेक्ट आंसर है, ये आप निकाल लेंगे, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दिया हुआ है ए आपके पास, एक्स पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर, ये क्या हो जाएगा आपके पास ए पावर फोर माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस टू। जैसे देखिए, यहाँ पे ए की जगह पे आपको दिया हुआ है थ्री, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा थ्री पावर फोर माइनस फोर इंटू थ्री स्क्वायर प्लस टू, ये हो जाएगा हमारे पास 81 माइनस 4 इंटू 9 प्लस 2, ये हो जाएगा 83 माइनस 36, तो ये हो जाएगा हमारे पास 47 क्या आ जाएगा हमारा, इसका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। देखिए, आप इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके, जैसे हमें दिया हुआ नेक्स्ट फोर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए देन एक्स पावर फाइव प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारा शॉर्ट ट्रिक में ए पावर फाइव माइनस फाइव ए क्यूब इक्वल्स
प्लस 5a, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा। देखिए जैसे हमें दिया हुआ है यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 2 गिवन है, तो आपके पास x पावर 5 प्लस 1 अपॉन x पावर 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पावर 5 माइनस 5 इंटू 2 क्यूब प्लस 5 इंटू 2, ये हो जाएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 32 माइनस 5 इंटू 8 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा 32 प्लस 10, ये हो जाएगा हमारे पास 42 माइनस 40, दैट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से देखिए अगर आपके पास दिया हुआ है इफ एक्स प्लस वन एक्स माइनस, देखिए अभी तक तो आपको प्लस गिवन था, लेकिन अब आपके पास क्या हो जाएगा, इफ एक्स प्लस माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू के, देन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस वन। जैसे आपके पास दिया हुआ है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, आपके पास 4 गिवन है और हमसे पूछा है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकालो, तो ये क्या हो जाएगा रूट में हमारा हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 4, दैट मीन्स ये हो जाएगा √4² + 4, ये हो जाएगा 4 4 = 16 + 4 = 20, रूट ये हो जाएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं 4 5 = 20 और 4 रूट से बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स 2√5, ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड दिया हुआ है आपके पास, यदि माइनस का गिवन हो और आपको प्लस का निकालना हो तो इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ पे माइनस का साइन चेंज कर देंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये 16 माइनस, ये आपका 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 × 3 आ जाएगा हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा 2√3 हमारे पास, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आप इसको शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करके आप इसको इजी वे में कर सकते हैं, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको उसके लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक्स लर्न होनी चाहिए, ये शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई